नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा और बड़ी सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आपको बता दें, वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बने। कल हरियाणा में होगी शपथ ग्रहण समारोह। नायब सैनी ही रहेंगे हरियाणा के सीएम। अमित शाह की मौजूदगी में नाम तय। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने किया नया खुलासा। शूटर्स ने 3 महीने ही पहले बना लिया था प्लान। आरोपी कई बार बिना हथियार के गए थे बाबा सिद्दीकी के घर। यूट्यूब से सीखी फायरिंग करना। मुंबई में 14 मंजिला इमारत के 10वें फ्लोर पर लगी भयानक आग। 2 बुजुर्ग समेत 3 लोगों की हुई मौत। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में आग पर पाया काबू। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 318 अंक की गिरावट रही, ये 81,501 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 86 अंक टूटा। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ा दी। इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोज जैसी बीमारियों के दवा शामिल। तमिलनाडु कर्नाटक में तेज बारिश के कारण स्कूल कॉलेज रहे बंद, तो वहीं बेंगलुरु में एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में नायब सैनी 10 साल की सत्ता विरोधी लहर और लोगों की नाराजगी को कम करने में कामयाब रहे। दरअसल उनका लगातार लोगों से मिलना और सीएम आवास को लोगों के लिए खोलना भी काम कर गया। आपको बता दें कि 56 दिन में उन्होंने 100 से ज्यादा फैसले लिए, इसी की बदौलत उन्हें सीएम पद मिला है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। प्रदेश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने हैट्रिक लगाकर जीत हासिल की है। इस नायाब जीत के नायक बने नायब सैनी अब सीएम कुर्सी भी संभालेंगे। बताते चले कि नायब सैनी लोकसभा चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे। पार्टी ने नायब सैनी को सीएम प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीत कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है और हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी का बनना तय है। पंचकुला स्थित भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मानित से चुन लिया गया है। भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण वैदी ने सैनी का नाम रखा था, लेकिन सैनी ही गुरुवार को पंचकुला में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। अमित शाह ने कहा कि बैठक में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूँ, नायब सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाजपा विधायक दल के नेता के लिए नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखने वाले पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने उस बयान पर सफाई दी है जिसमें चुनाव के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई थी। दरअसल उन्होंने कहा कि किसी ने ये दुष्ट प्रचार किया था कि मैं सीएम बनना नहीं चाहता, इसी वजह से मुझे ये बयान देना पड़ा कि यदि पार्टी चाहेगी तो मैं सीएम बन सकता हूँ। अनिल विज पिछली बार मनोहर लाल के प्रस्ताव बने थे, जबकि इस बार नायब सैनी के प्रस्ताव बने हैं। मंत्री अनिल विज के सीएम पद पर दावेदारी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की सीएम बनने की इच्छा के चलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनकर चंडीगढ़ आना पड़ा था, ताकि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा में किसी तरह की कोई अड़चन पैदा ना हो सके। हरियाणा में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NGT को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरियाणा में मात्र 2 जिलों में ही अभी अध्ययन शुरू हुआ है। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NGT को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरियाणा में मात्र 2 जिलों में ही अभी अध्ययन शुरू किया गया है। आपको बता दें कि NCR में वायु प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो गया है। इसको लेकर तय बंदिशें मंगलवार को लागू कर दी जाएंगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हरियाणा में मौसम में हुए बदलाव के चलते प्रशासन ने फसल अवशेष में आग लगाने पर किसान पर सीधे FIR दर्ज कराने का निर्णय लिया है। अभी तक 2500 रुपए प्रति एकड़ की दर से जुर्माना लगाया जा रहा। वहीं यमुनानगर जिले में पराली जलाने के करीब 20 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में खेतों से धान की फसल काटने के बाद अवशेषों में आग लगाने का मामले सामने आ रहे हैं, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने से ज़्यादा अब
जुर्माना लागू कर दिया गया है। हरियाणा में मौसम में हुए बदलाव के चलते प्रशासन ने फसल अवशेष में आग लगाने पर किसान पर सीधे FIR दर्ज करने का निर्णय लिया है। अभी तक 2500 रुपए प्रति एकड़ की दर से जुर्माना लगाया जा रहा था। वही यमुनानगर जिले में पराली जलाने के करीब 20 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में खेतों से धान की फसल काटने के बाद अवशेषों में आग लगाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यदि किसी किसान ने अब खेत में पराली जलाई तो उसके खिलाफ थाने में सीधे ही FIR दर्ज कराई जाएगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।